तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें मिले जुले क्वेश्चन हैं, कुछ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हैं, एक क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स का है, और कुछ क्वेश्चन जो है डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम के हैं। इस तरह से फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ रिलेटेड टू ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन अ ट्री। इनमें से कौन ट्री को नहीं डिफाइन करता है। वी यूजुअली डू मिस्टेक दैट वी डू नॉट नोटिस द वर्ड नॉट, राइट। यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है दैट इज़ नॉट, ठीक है। हम इसको मिस कर जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। तो ये कह रहा है कि कौन सा फीचर है जो ट्री को डिफाइन नहीं कर रहा है। पॉइंट्स रीड करते हैं, अ ट्री इज़ कनेक्टेड अ साइक्लिक ग्राफ। एग्जैक्टली, ट्री इज़ कनेक्टेड अ साइक्लिक नहीं लिखा होता तो ये पॉइंट रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ट्री हमेशा साइक्लिक होता, कभी इसमें साइकिल नहीं फॉर्म होती, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दूसरे पे आते हैं, अ ट्री इज़ कनेक्टेड ग्राफ विद एन माइनस वन एजेस वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। सब कुछ ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ कनेक्टेड कहा, इससे ये बात सामने आ रही है कि क्योंकि कनेक्टेड है इसका ये मतलब हुआ साइकिल तो बन सकती है ना, सारी कंडीशन नहीं कवर हुई। तो ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग, ठीक। थर्ड देख लेते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने इसको सुधार दिया, अ ट्री इज़ एन असाइक्लिक ग्राफ। एग्जैक्टली, ट्री इज़ एन असाइक्लिक ग्राफ विद एन माइनस वन एजेस वेयर एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। दिस इज़ वेरी ट्रू, एंड अ ट्री इज़ ग्राफ विद नो साइकिल, ठीक है। तो ए सी एंड डी ये सारे करेक्ट हैं, और ऑप्शन बी आपका जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू क्रिस्कल्स एल्गोरिथम। क्रिस्कल एल्गोरिथम अगर आपको याद हो तो आप लोग जो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री की दो एल्गोरिथम होती हैं, क्रिस्कल एंड प्रिम। क्रिस्कल जो है वो एज बेस्ड होता है, और जो प्रिम्स एल्गोरिथम है वो वर्टेक्स बेस्ड होता है। कॉम्प्लेक्सिटी लगभग दोनों की मिलती जुलती होगी, है ना। तो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिस्कल्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम ऑन ग्राफ विद एन नोड्स एंड ई एजेस, नंबर ऑफ नोड्स आर एन एंड एजेस आर ई, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो डायरेक्ट आंसर है, अगर आपको पता होगा तो दैट इज़ ई लॉग एन, ठीक। और अगर यही प्रिम से पूछा होता तो अगर बहुत जनरलाइज वे में देखें तो सेम बन जाएगा, ई लॉग एन या फिर एन लॉग एन, ऐसे आ जाता। तो आपको ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, दैट इज पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट, एरर करेक्शन कोड्स। तो देखिए, इफ़ अ कोड इज टी एरर करेक्टिंग द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कि अगर कोई कोड है दैट इज़ टी एरर कोड जो डिटेक्ट कर सकता है, तो उसमें मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा, उसका सॉरी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा, 2t+1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। आप गैस कर लिए होंगे, दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप नहीं होता, बट इट इज अ मोनॉइड। मोनॉइड होता है पर ग्रुप नहीं होता। जैसे अगर इसमें क्वेश्चन में ही ये पॉइंट्स को फेरबदल कर दिया जाए तो हो सकता है आंसर चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये मेंशन कर दे रही हूँ कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ ग्रुप, ये बात तो ठीक है, बट इट इज़ अ मोनॉइड, ठीक है, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज को जैसे इनवर्स वगैरह को ये जस्टिफाई करता है, सेटिस्फाई करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो आपके ये वाले सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या बन गया, एक्चुअली मैं उसे इरेज करना चाह रही थी, इट इज़ नॉट अ ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे ये सही हो गया। सो इन अ सेट ऑफ एट पॉजिटिव इंटीजर्स देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय व्हाट। तो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो आपका किससे जुड़ा हुआ है, पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। तो पिजन होल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा 7। आप इसको समझिए, जैसे आपके पास एट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट, और इसको जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 7 से डिवाइड करने पे आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रिमाइंडर्स आएंगे। लेकिन आपके पास नंबर क्या है, 8 है, तो उनमें से कोई एक तो रिपीट हो ही जाएगा, है ना, कोई ना कोई एक रिपीट हो ही जाएगा अगर आप उसे 7 से डिवाइड करते हैं। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस, है ना। आप इसको अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, अगर इस तरह की वीडियोस आप पसंद करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको चैनल पसंद आए, मेरी वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, बाय बाय।